तो रेस्टिंग मीडिया फैमिली कल सुबह 5:30 बजे WWE का नेक्स्ट पेपर-व्यू एलिमिनेशन चैम्बर 2023 देने वाला है। और जिस तरह से ब्रे वाइट और अंकल हाउडी ने ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली को चैलेंज कर दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में ब्रे वाइट या फिर अंकल हाउडी ब्रॉक और लैशली के मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जे उसो भी सैमी और रोमन के मैच में इन्वॉल्व होंगे। तो कल के एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में हमें क्या क्या सरप्राइजेस देखने मिल सकते हैं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो पिछले साल रॉयल रंबल और क्राउन ज्वेल के बाद इस साल ये तीसरी बार ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच होने जा रहा है। और अभी फिलहाल ये गेस करना मुश्किल हो रहा था कि इस मैच में कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या फिर बॉबी लैशली। लेकिन अब इस मैच में एक और ट्विस्ट आ गया है ब्रे वाइट और अंकल हाउडी की वजह से, क्योंकि जैसा आपने आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि ब्रे वाइट और अंकल हाउडी ने आकर पहले हेड्रो को मारकर रिंग से बाहर कर दिया, और फिर ब्रे वाइट ने ये बोला कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली में से जो भी जीता उसे भागना चाहिए, यानी कि लेसनर और लैशली मैच में जो भी जीता उसे रेसलमेनिया 39 में ब्रे वाइट फाइट करेंगे। तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का कल मैच हो तो कल मैच में ब्रे वाइट इन्वॉल्व होकर या तो लैशली को या फिर लेसनर को हरवा सकते हैं, और जिसको भी वो हरवाएंगे उनके साथ ब्रे वाइट का मैच फिक्स हो जाएगा रेसलमेनिया 39 में, या फिर ब्रॉक और लैशली में से जो भी जीता उस पर ब्रे वाइट आकर एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में अटैक भी कर सकते हैं। वैसे आप लोग रेसलमेनिया 39 में ब्रे वाइट का मैच किसके साथ देखना चाहोगे, बॉबी लैशली के साथ या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ? और आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से ये बात भी क्लियर हो गई है कि अंकल हाउडी जिन्होंने पहले ब्रे वाइट पे अटैक कर दिया था वो रॉयल रंबल 2023 के बाद से अब ब्रे वाइट के साथ हो चुके हैं, और अंकल हाउडी और ब्रे वाइट ने अब टीम बना ली है। तो चलिए देखते हैं कि कल ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के मैच में कौन सा ट्विस्ट WWE लेकर आते हैं। तो कल सैमी ज़ेन अपने होम टाउन मॉन्ट्रियल में एलिमिनेशन चैम्बर 2023 पेपर-व्यू में द ट्राइबल चीफ रोमन रेन्स से फाइट करने जा रहे हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के मैच में। और जैसा आपने आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी देखा होगा कि क्योंकि ये सैमी ज़ेन का होम टाउन है तो सैमी ज़ेन को कल पूरी ऑडियंस फुल सपोर्ट करने वाली है, और हो सकता है कि इस मैच में जे उसो भी किसी तरह इन्वॉल्व हो। लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि इस मैच के बाद भी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेन्स ही बने रहेंगे, और हो सकता है कि रोमन रेन्स इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से हार भी जाए पर दोनों के दोनों टाइटल रोमन ही कल लेके जाएंगे एलिमिनेशन चैम्बर के बाद। और इस मैच में ये ट्विस्ट हो सकता है कि जे उसो इन्वॉल्व हो लेकिन वो सैमी ज़ेन का नहीं बल्कि उनके भाई रोमन रेन्स का साथ देकर सैमी ज़ेन को मैच में हरवा दें। वैसे एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के कौन से मैच के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।